मेरे को लगा था आज आखिरी इफ्तार है, लोग अब भर भर के लिख जाएंगे, ज्यादा दुकान लगे और इनके से क्वांटिटी में। तो आज का है आखिरी इफ्तार, तो हम लोग जा रहे हैं आज आखिरी इफ्तार परचेज करने, एंड कल से ये सब शेड्यूल खत्म हो जाएगा। बहुत बुरा लग रहा, रमजान जा रहे हैं, लेकिन आज के लास्ट इफ्तार ही टाइट करेंगे। चल ठीक है, तो देख अरे आज है आखिरी इफ्तारी, ठीक है, और अपने को लेके आने का एकदम फेट वाला इफ्तार। चलेंगे ना, कहाँ जाने का? ये है शहबाज सर का भांजा, बहुत घूमते रहता है इन्हें जिधर उधर, इसको तो मैं शहबाज सर की शादी वाले ब्लॉग में देखे। तो यार यहाँ पे हमारे फ्रेंड का शोर लग रहा था, यहाँ पे सब 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 जगह खत्म हो गया, सब कुछ सब खत्म हो गया। अब तो दुकान नहीं लगी और जहाँ लगे थे उनके खत्म हो गया, वो अपन सीधा से इस पर देंगे ना, चलना गुड लक जाएंगे, गुड लक वाला अच्छा रहेगा। तो अभी गुड लक जाएंगे, गुड लक से लेके आने का, चिकन विकन खाने का मूड था मेरा, मतलब रोल भी ऐसा। आज का लास्ट दिन है ये वाला सीन देखने के लिए, कल से ये सब चीज़ें उठ जाएंगी, तो आज एक बार देख लो। चेक कर, सफेद कलर की थार पहली बार देखी, मुझे नहीं अच्छी दिखी। तो आखिरी शहरी की आखिरी इफ्तारी की भी शॉपिंग हो चुकी है, अभी जाना है घर करके, बहुत सारी शॉपिंग करने का, मतलब शॉपिंग इंश्योरेंस के काम की चीज़ें खरीदने का है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कल का पूरा दिन, पूरी रात और आज का दिन ऐसे ही डाले हमने, कुछ फायदे का नहीं था। तो जाएंगे अभी सीधे लेके। मेरे को लगा था आज आखिरी इफ्तार है, लोग अब भर भर के लिख जाएंगे, ज़्यादा दुकान लगे और इनके से क्वान्टिटी में, आधे से ज़्यादा दुकान बंद। अब मैं परेशान हो गया, मैं बोला आपने तो उस बोल के तो आया, बड़े बड़े बात है घर में बाहर इफ्तार करने का, कुछ इतना ही मिल रहा था, बहुत ढूंढ ढूंढ के लेके आई कि आइटम लेके गए। चल बिछाओ ना, बहुत रोज़ा लगा आज का। हेयर कट बताओ ना आपने, ओहो फ्लेक्सिंग माय न्यू हेयर कट। अजीब 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 तो गाइस ये देखो, ये क्या है, ये ओहो ओके, क्या बात है तो गाइज आज हमारे समोसे हैं इफ्तार में, इफ्तार में कांडी है, कांडी बोलते हैं इसको, स्टिक नहीं बोलते हैं बाहर, कांडी है, उसके बाद KFC का है सस्ता कॉपी, फिर ये कुस्तुबी कबाब, कुस्तुबी नाम देते हैं, कुस्तुबी करते हैं ये, कॉर्न एंड फ्रूट्स बस। तो फिलहाल की इफ्तार इतिज, और ये हमारे दोनों भाई आज सब घर पे है, आज की आखिरी इफ्तार, आज आखिरी इफ्तार में अच्छे से दुआ करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला, जवान करें और अदीब ने बहुत बाल कम कर दिया क्योंकि मामा ने उसको बहुत चिड़े थे शायद कल। अंधेरे अंधेरे क्यों आ रहे, फ्लैश मार जरा अर्शियान, अब ब्लॉग में सबको बोलूंगा ना, मेरे ऊपर मार रहा भाई, वहाँ के सवार, क्या बात अर्शियान, क्या बात। हाँ तो लाइट्स पता नहीं से क्यों आ रही है, थोड़ा सा दूर से लेना, कैमरे के पास से लेने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो गाइस ईद का चांद दिख चुका है, एक मिनट ना, ब्लर हो रहा है बहुत, मेरे से पूरा चांद दिख रहा है, ब्लर हो रहा ना, अरे यार ओके। सो गाइस ईद का चांद दिख चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा, बड़ा भी लग रहा थोड़ा सा,
तो और ना ऊपर एक तारा है, ये कंपलसरी रहता। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे ना एक तारा है और नीचे एक चांद है। प्यारा लग रहा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा। एंड आप लोगों ने ईद का चांद देखा या नहीं देखा, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको रमज़ान का चांद मुबारकबाद, नहीं सॉरी रमज़ान का ईद का चांद मुबारक सभी को। सो गाइज, हम लोग छत पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे देखो, अब ईद का चांद दिख चुका है फाइनली। गाइज क्या देखते देखते रमज़ान चले गए, इतना मतलब मुश्किल लग रहा था रोज़े कैसे जाएंगे, इतनी गर्मी है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया हम सभी के लिए। तो ये है ईद का चांद, मैं आपको दिखा दूँगा। उसके अलावा आपके रोज़े वगैरह कैसे गए, एंड आपकी ईद की जो भी ड्रेसिंग वगैरह है उसके कल आप लोग फ़ोटोज़ डालना मेरे को व्हाट्सएप वगैरह पे या इंस्टा पे किधर, तो देखते सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लग रहा था। और उसके अलावा अगर भाई ये पूरे सीरीज़ में मैंने किसी को कुछ बोला होगा, कुछ हर्ट किया होगा कुछ मेरे वीडियोज़ वगैरह के थ्रू, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप सभी को रमज़ान का चांद, सॉरी रमज़ान का नहीं, ईद का चांद मुबारक। एंड आप सभी को ईद मुबारक। तो अभी चलते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करने की बाकी रह गई थी वो करके मिलेंगे फिर। सो गाइस, हम लोग घर आ के वापस, और अभी चल रहा है डिनर। आज बहुत लेट हो गया खाना खाने में, अब तरावी भी नहीं है तो कुछ करने का भी नहीं है घर पे, एकदम रिलैक्स बैठने का है। और कल है ईद, तो सुबह जाना है नमाज़ पढ़ने ईद की। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे ईदगाह में ही जाने के लिए, थोड़ी सी लेट भी है नमाज़, और ईदगाह में वही बात है मतलब ईद की नमाज़ का। तो चलते ईदगाह में, अभी पहले खाना खा के मिलता हूँ। गाइस ये हमारे साजिब भाई, द लेजेंड। ये देख कॉन्फिडेंस सही है, मैं बोला ना, मैंने अगर यहाँ ब्लॉग कर लिया, मैं अगर यहाँ ब्लॉग कर लिया तो मैं जिंदगी में कहीं भी ब्लॉग कर सकता। सिनेमैटिक 30 FPS पे चलता, बस ये सीख रीजन है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आने वाले वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर मेकिंग माय पार्ट ऑफ वीडियो, सी यू सून इन टुमारोस व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम्स। बूम।